हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बाजरे की टिक्की, जो बहुत ही कुरकुरी एंड टेस्टी होती है और ठंडों में बहुत ही अच्छी लगती है। तो मीठा खाने का मन करता है तो हम बाजरे की टिक्की बना लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने एक बाउल में बाजरे का आटा लिया है और थोड़े से तिल ले लिए हैं, पानी लिया है आधा बाउल और एक कटोरी में मैंने चीनी ले ली है। तो अभी हम क्या करते हैं, चीनी को पानी में डालकर 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि ये फूल जाएगी। और 10 मिनट के बाद हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। हम इसे गुड़ का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं चीनी की बना रही हूँ। और गुड़ की भी टेस्टी लगती है, चीनी की भी टेस्टी लगती है। तो जो लोग गुड़ नहीं खाते वो चीनी का यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने 10 मिनट के लिए चीनी को भिगोने के लिए रख दिया है। 10 मिनट हो चुके हैं गाइस। अब इस चीनी को हम अच्छे से घोल लेंगे। जब ये अच्छे से घुल जाएगी, इसके बाद हम बाजरे के आटे में इसको डालकर इसका आटा बनाएंगे। आटे की तरह गूंथ लेंगे इसको और तभी टिक्कियाँ बना लेते हैं। चीनी घुल चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इसी एक मैं बड़ा बाउल ले लूँगी, जिसमें मैं आटा कर लूँगी और तभी हम इसको घोल लेंगे अच्छे से। तो चलिए आटा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बाजरे का आटा ले लेते हैं हम। इसमें हम धीरे धीरे करके शुगर सिरप यूज़ करेंगे। तेल डाल रही हूँ मैं पहले, और अब हम शुगर सिरप डाल के इसको गूंद लेंगे अच्छे से। लेते हैं अब हम। तो मैं शुगर सिरप को धीरे धीरे करके इसमें डालूंगी और हम इसको अच्छे से घोल लेंगे। चीनी आप ठीक मात्रा में लें, जिससे कि अगर फीकी होंगी हमारी टिक्की तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। मीठी टिक्कियाँ ही ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो चीनी आप सही मात्रा में यूज़ करें। हम अच्छे से इसका एक आटा, जैसे हम गेहूं का आटा लगाते हैं, इसी तरीके से इसका आटा भी हम मलेंगे। हमारा ज़्यादा लूज़ आटा भी ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से कर लेंगे और फिर मैं हैंड की हेल्प से इसको कूट लूँगी। अभी हम इसका आटा बना के तैयार कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ गूंथने के बाद इसको। आटा बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे, जिनकी हमें टिक्कियाँ बनानी होंगी। तो इस तरीके से हम टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट कर देंगे। देखिए टिक्की मैंने बना भी ली है। ज़्यादा मोटी नहीं होनी, ना कच्ची रह जाएगी। और हम इसी तरीके से और भी टिक्कियाँ बना लेंगे, और हमें वरना टिक्कियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो एक टिक्की मेरी बन के तैयार हो चुकी है। इस तरीके से और भी हम टिक्कियाँ बना लेंगे। देखिए थोड़ी टूट गई है, दोबारा हम बना लेते हैं इसको। देखिए ये दोबारा बन गई है टिक्की। इस तरीके से हमें इनको बनाना होगा। चलिए अब मैं और टिक्कियाँ थोड़ी बना के तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
टिक्कियाँ मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। देखिए इस तरीके से हम बना के तैयार कर लेंगे। और गैस पे मैंने पैन रख दिया है, ऑयल सेम गैस पर हमको इनको सेकना है वरना कच्ची रह जाएंगी टिक्कियाँ। तो एक एक करके डाल देते हैं और धीरे धीरे करके हम इनको फ्राई कर लेंगे। देखिए सिकने स्टार्ट हो गए, हम जल्दी जल्दी इनको पलट देंगे, टिक्कियाँ जलनी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे, दोनों तरफ से अच्छे से सेक जानी चाहिए। बार बार पलट पलट के हम इनको सेकते रहेंगे। ये टिक्कियाँ हमारे सिक चुके हैं, तो अब हम इनको एक एक करके निकालना स्टार्ट कर देंगे। अभी जो सबसे पहले उसी को निकाल लेंगे जो ज़्यादा सिक चुकी है। तो मैं ये वाली टिक्की को निकाल लेती हूँ, तब तक और टिक्कियाँ हमारी सिक जाएंगी। एंड अभी मैं अब दूसरी टिक्की को निकाल लेती हूँ, ये भी हमारी टिक्की सिक चुकी है। देखिए इधर से सिक चुकी है बिल्कुल। तो मैं थर्ड वाली टिक्की को भी निकाल लेती हूँ क्योंकि ये भी सिक चुकी है, और सेकेंड भी। इन दोनों को निकालने के बाद हम लास्ट में उसको निकाल लेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है वो अभी कम सिकी है। उसको सिकने देंगे अभी, तब तक मैं और टिक्कियाँ इसमें सेक लेती हूँ। आपको मैं सेकने के बाद दिखाती हूँ ये किस तरीके से सिकी है मेरी टिक्कियाँ। तैयार हो गई, देखिए कितना प्यारा कलर आया। तो खाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।